राष्ट्रपति चुनाव 2022 के उम्मीदवार के लिए शरद पवार की अध्यक्षता में विपक्ष के 17 दलों की अहम बैठक हो रही है। बैठक में शरद पवार ने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भी न्योता दिया है। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति को लेकर आज NCP नेता शरद पवार के आवास पर 17 दलों के विपक्षी नेताओं की बैठक के लिए भाकपा नेता DRaja पवार के दिल्ली आवास पर पहुंचे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी राष्ट्रपति भी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं इसी बीच TMC के सूत्रों ने दावा किया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। पूर्व भाजपा नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया कि TMC में मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दी उसके लिए मैं ममता जी का आभारी हूँ। अब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर अधिक विपक्षी एकता के लिए काम करना चाहिए। मुझे यकीन है कि वह इस कदम को स्वीकार करती है। इस ट्वीट के बाद माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ताधारी NDA भी जी तोड़ कोशिशें कर रहा है। आज राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम को लेकर BJP संसदीय दल की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और BJP अध्यक्ष JP नड्डा शामिल होने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में PM मोदी भी शामिल होंगे। NDA अभी तक अपने अगले उम्मीदवार के नाम पर मंथन ही कर रहा है, जबकि UPA यानी विपक्ष के प्रस्ताव को एक के बाद एक 3 नेता नकार चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख को अब 8 दिन और रह गए हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते ही अगले राष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया जाएगा। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बार बार उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।